सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन। वेलकम वंस मोर ऑन आवर आरती हेल्थ किचन चैनल। सो आज ना हम लोग बनाने जा रहे हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट से होममेड आइसक्रीम, एकदम बाजार जैसी। तो फटाफट से बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 3 ग्लास दूध और उसकी आपको एक पैन में ट्रांसफ़र कर देना है और उसे कुक करते हुए चलाते हुए आधा होने तक उसको बॉयल करना है। सो अब ना इसे मैंने बॉयल कर लिया है और इसका गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आधी हो गई है। अब मैंने ना यहाँ पे एक पैकेट मारी बिस्किट लिया है और उसको आपको छोटा छोटा करके ग्राइंड कर देना है, उसका फाइन पाउडर तैयार करना है और उसे एक बार आपको स्ट्रेनर के ऊपर करके छान भी लेना है, जिससे कि इसके कुछ मोटे टुकड़े जो हों वो अलग हो जाएं। सो गाइज, ये देखिए इसमें ऐसे ना मलाई सी पड़ने लगी है, तो परफेक्टली हमारा दूध गाढ़ा हो गया। तो अब इस दूध में से मैंने आधा कप दूध, आधा कटोरी दूध अलग कर लिया है और उसे आपको इसी पाउडर में, अपने बिस्किट के पाउडर में ऐड कर देना है और इसे अच्छे से चला देना है। और अगर आपको थोड़ा दूध कम ज़्यादा लगे तो उसकी कंसिस्टेंसी आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए, पर आपको आधा कप दूध ही लगेगा और इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी क्रीमी सी बन के तैयार होगी और उसे आपको अपने उसी मिल्क में जो आपने गाढ़ा किया उसमें ऐड कर देना। अब आपको इसे मिक्स कर देना है और इसमें ऐड करना होगा चीनी और इसको अच्छे से मिक्स कर देना, चलाते हुए 2-3 मिनट कुक कर देना। उसके बाद आपको इसे ठंडा हो जाने देना है। अब ना आपको लेना होगा अपना कंटेनर और उसमें ऐड करना होगा इसका बैटर और ऊपर से चोको चिप्स या फिर गार्निश करने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। और इसके ऊपर मैंने लगाया है फॉइल पेपर, आप चाहो तो यहाँ पर क्लिंग रैप का भी यूज़ कर सकते हो, जो भी हो आपके पास। इसके ऊपर आइस क्रिस्टल्स नहीं आने चाहिए। तो अब ना मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीज कर दिया है, आप इसे 6 से 7 घंटे फ्रीज कर दो, वो भी ठीक। सो गाइज, ये देखिए शानदार सी आइसक्रीम है तैयार। स्कूप भी कितना बढ़िया हुई है। सो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल आरती हेल्थ किचन को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम टू टाइम। सो फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर आइसक्रीम। बाय, हैप्पी कुकिंग।